देखिए हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिकी है उसको तो पूर्व की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने पूरी तरह जो है तहस तहस करके रख दिया। और पिछले पाँच साल जो है वो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए का रिकॉर्ड कायम कर गए हैं। आप देखें कि जो पूर्व में शासक रहे या जयराम जी की सरकार रही, वो लगभग 92,000 करोड़ से ज़्यादा की देनदारियां हिमाचल पे छोड़ गए हैं। तो यहाँ पे एक तो 75,000 करोड़ से के आसपास तो हिमाचल का कर्जा ही पहुँच गया है, और साथ में कर्जे के अलावा कर्मचारियों का लगभग 10,600 करोड़ रुपया बकाया है, और उसके अलावा 5,000 करोड़ रुपए की अन्य देनदारियां हैं। तो इतना भारी भरकम देनदारियां हिमाचल प्रदेश पे खड़ी हैं। हम हिंदुस्तान के पांचवा राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश, जो जो कर्ज लेने में सबसे अग्रणी रहे हैं। और ये डबल इंजन की सरकार कहते थे, और आप देखें कि डबल डबल इंजन की सरकार अगर होती, केंद्र में अगर इनकी सरकार थी, हिमाचल में इनकी सरकार थी, उसका अगर कोई फायदा हुआ होता तो आज हिमाचल प्रदेश आर्थिक तौर पे इस ढंग से करार ना रहा होता। आप देखें कि हिमाचल प्रदेश में मौजूदा जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने कर्ज लेने की सीमा जो है हिमाचल प्रदेश की घटा दी है। जो भाजपा के समय में कर्ज मिलता था और जो हमें कर्जा लेना है उसकी सीमा उन्होंने घटा दी। जो फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट हैं उनके भी उन्होंने कैप लगा दी कि आप इससे ज़्यादा का जो है फॉरेन फंडिंग नहीं करेंगे। जो बाहर से पैसा आता है और यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए लगता है, उस पर उन्होंने कैप लगा दी। सरली जीएसटी की कंपनसेशन जो है उन्होंने बंद कर दी। जून के बाद जो है जीएसटी का कंपनसेशन का पैसा आना बंद हो गया। और उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है कि एक मेन सोर्स होता है, और वो जो है किसी इसमें 11,000 करोड़ थी, और वो अब अगले साल जाके जो है 3,000 करोड़ पे सिमट जाएगी। तो इसलिए वित्तीय मोर्चे पे पूरी तरह सफल हो गए। आप देखो शराब का जो ठेकों की नीलामी थी, इनके आखिरी साल में 1,200 करोड़ रुपए की नीलामी हुई। इस साल जब हमारे पास आई ठेकों की नीलामी तो 1,800 करोड़ रुपए की हुई। 600 करोड़ रुपए का इंक्रीज अकेला शराब में हो गया। तो इसलिए हर हर पहलू पे जो है इन्होंने फजूल खर्ची की। आपके सामने जब ये जनमंच करते थे, जनमंच पे 7 करोड़ रुपए का खाना जो है खिला दिया गया, और उसके बाद जो अमृत महोत्सव हुआ उसमें 7 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया, केंद्र से एक पैसा नहीं आया। जो धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट हुई थी उस पर 26 करोड़ रुपया खर्च दिया टेंट तंबू लगाने के लिए, और जो है इन्वेस्टमेंट आई नहीं। और उसके बाद जो आखिर में जो बसें बुसें आपने देखा चलाते थे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीतने के लिए, 32 करोड़ रुपए से ज़्यादा उस पर खर्चा कर दिया, और उसमें से 8.5 करोड़ रुपए का भुगतान अभी भी बाकी है। तो फजूल खर्ची बड़े जोरों से हुई, और आखिरी साल में जो जो खर्चा प्रोजेक्टेड खर्चा था वो 16,000 करोड़ रुपए के आसपास था। चुनाव जीतने के लिए जो सरकारी कोष का दुरुपयोग हुआ वहाँ से सारी स्थितियाँ बिगड़ गई। तो इसलिए जयराम सरकार ने वित्तीय हालात जो है हिमाचल प्रदेश के जो है उन पे बहुत बड़ा प्रहार किया है, और इनको जो है हिमाचल प्रदेश की जनता माफ नहीं कर सकती। मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द न्यूज़ रडार।